हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रेनोस्फेयर। जम्मू कश्मीर से 370 और 35 ए को हटे एक महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है, जहां एक तरफ भारत सरकार जम्मू कश्मीर में विकास कैसे हो इस बात पर ध्यान दे रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज भी हर जगह कश्मीर और भारत से युद्ध की बात करते नज़र आ रहे हैं। हम सबको ये बात अच्छे से पता है कि अगर पाकिस्तान और भारत में युद्ध हुआ तो पाकिस्तान भारत के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन अब ये बात इमरान खान ने भी मान ली है। हाल ही में इमरान खान ने एक इंटरव्यू में माना कि अगर पाकिस्तान और भारत में युद्ध हुआ तो पाकिस्तान उस युद्ध में हार सकता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इमरान ने एक बार फिर दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। अब यहाँ ये देखना होगा कि इमरान के इस इंटरव्यू को पाक आर्मी कैसे लेती है, क्योंकि इस इंटरव्यू में इमरान ने भारत से हारने की जो बात बोली है उसे सुनकर पाक आर्मी खुश तो बिल्कुल नहीं होगी। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।